हेलो एंड वेलकम टू द डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैटरिंग इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। स्कैटरिंग इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम किसकी बात करें, स्कैटरिंग की बात करें, और किसके अंदर किसी एक सेंट्रल फोर्स के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैं आपको स्कैटरिंग क्लियर कर देता हूँ। स्कैटरिंग क्या होती है कि कोई एक पार्टिकल वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आया, ठीक है, और किसी एक पॉइंट के अबाउट या फिर किसी अदर मास या अदर पार्टिकल के अंडर उसने कोई फोर्स फील किया। ठीक है, फोर्स फील करते ही वो अपने इंसिडेंट डायरेक्शन से डेविएट हो जाता है। ठीक है, कोई पार्टिकल आ रहा है किसी एक पॉइंट के लिए या फिर पॉइंट के अबाउट, या फिर कह सकते हैं कि किसी एक पार्टिकल की वजह से एक फोर्स फील करेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अब बात क्या है कि इस पार्टिकल या फिर इस पॉइंट और इस पार्टिकल के बीच में ये जो फोर्स है वो इनफाइनाइट पे तो ज़ीरो है। जैसे ही वो पास आया तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है और वो क्या हो जाता है, उस फोर्स की वजह से डेविएट हो जाता है। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो जो बहुत फेमस एग्जांपल स्कैटरिंग का है वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा है। ठीक है, अब होता क्या है स्कैटरिंग के केस में, देखो मैं अगर रदरफोर्ड स्कैटरिंग की बात करूं तो वहां पर क्या होता है कि कोई एक एटॉमिक न्यूक्लियाई पड़ा है, ठीक है, कहीं पर, और ये मैं कोई एक एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, कोई एक एक्सिस बना दी जिसको मैं एक्स एक्स प्राइम बोल दूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई एक बीम ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट होती है। ठीक है, कोई एक बीम ऑफ पार्टिकल हम क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं इस एटॉमिक न्यूक्लियर की तरफ। ठीक है, इस एक्स एक्सिस प्राइम, ये जो एक्सिस है ना, इसके पैरेलल, तो ये जो बीम ऑफ पार्टिकल आएगी तो जो पार्टिकल लेट अस से क्लोज होगा, ठीक है, इसके क्लोज होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा एंगल के ऊपर स्कैटर होगा, ज़्यादा एंगल के ऊपर डेविएट होगा। तो थोड़ा दूर होगा वो थोड़े कम एंगल के ऊपर, फिर जो और ज़्यादा दूर होगा वो और एंगल कम एंगल के ऊपर, और ज़्यादा दूर होगा वो और कम एंगल के ऊपर। ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ तो वो यहाँ से ऐसे, फिर ये जो दूसरा पार्टिकल है वो कुछ यहाँ से ऐसे, फिर ये पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे, फिर ये पार्टिकल कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं है, इसके फोर्स फील्ड में आते ही क्या हो गए, इन्होंने रिपल्शन फोर्स फील किया। ठीक है, हाँ, ये जो बीम ले रहे हैं, जो पार्टिकल है, ये कौन से हैं, अल्फा पार्टिकल है भाई। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये कोई एटॉमिक न्यूक्लियाई है, ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलॉम्ब रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन में डेविएट हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को बोलते हैं स्कैटरिंग। अब देखो, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा क्वांटिटेटिवली। ठीक है, हम कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं इस लेक्चर में, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसको डिफाइन करने के लिए देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसको हम दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई भी मैंने एक एक्सिस ले लिया, एक्स एक्स प्राइम। ठीक है, अब देखो इसको हम हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। देखो, मैं कोई भी एक एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई एक पार्टिकल रख दिया, लेट अस से थोड़ा सा इधर रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई एक पार्टिकल रख दिया, ये पार्टिकल क्या है, कोई एटॉमिक न्यूक्लियाई है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये एक्सिस है एक्स एक्स प्राइम। ठीक है, अब मैं एक बीम ऑफ पार्टिकल लूँगा, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये मैंने अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम ली है। ठीक है,
कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बीम लिया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो वो इस स्कैटरिंग सेंटर से कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, ठीक है, है ना, एक एंगल अल्फा के सम एंगल डिफाइन कर देंगे हम, और ये जो है जो दूर है वो कम एंगल के ऊपर क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, समझ गए। इसका ये जो एंगल है यहां से वो क्या हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट मतलब पैरेलल है, यहाँ से मैं बना सकता हूँ, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से सेम इधर होगा, है ना। तो ये जो दूर वाले पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से स्कैटर हो जाएंगे, और ये है ओके बेल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो स्कैटरिंग है वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है, सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो जो स्कैटरिंग है वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। कैसे, देखो मान लो मैं ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो अगर यहाँ लूँ, ठीक है, और जो बीम है वो कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है, तो कुछ पार्टिकल जो इससे इतना डिस्टेंस के ऊपर है और कुछ पार्टिकल इससे इतना डिस्टेंस के ऊपर है, तो जैसे ही आएंगे तो ये वाला जिस एंगल पे डेविएट होगा ये वाला भी उसी एंगल पे डेविएट होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाले पार्टिकल्स की बात करूं जो सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये जिस एंगल से डेविएट होगा ये भी उसी एंगल से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, समझ गए, सेंट्रल फोर्स ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा ऊपर है बिल्कुल वैसा ही नीचे, तो हो सकता है मेरा कुछ हाँ ऑलमोस्ट ठीक बना, ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। हमने अभी तक एक एंगल डिफाइन किया फाई, और ये एंगल, ये जो पार्टिकल जो इसके क्लोज है, देखो ये वाला पार्टिकल है ये थोड़ा दूर है, ये वाला पार्टिकल थोड़ा क्लोज है, तो ये ज़्यादा एंगल के ऊपर स्कैटर होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर आएंगे वो और ज़्यादा एंगल के ऊपर स्कैटर होंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स डिफाइन करेंगे। तो जो पहली टर्म है वो क्या है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। सेकेंड टर्म है वो है आपका टोटल क्रॉस सेक्शन। थर्ड जो टर्म है वो है आपका स्कैटरिंग एंगल। फोर्थ टर्म है आपका इंपैक्ट पैरामीटर। और फिफ्थ हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑन स्कैटरिंग एंगल, तो सिग्मा फाई इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसको हम सिग्मा ऑफ ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये सारा हमें क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई ये जो इंसिडेंट बीम है, ठीक है, अब एक और बात सुनो, ये जो बीम है, बीम ऑफ पार्टिकल है, इसमें सभी पार्टिकल्स का जो मास है और एनर्जी है वो सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, तभी जो स्कैटरिंग है वो आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, ठीक है। अगर उनका एनर्जी और मास अलग अलग हुआ तो स्कैटरिंग सिमेट्रिक नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये जो जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलर मैं एक एरिया डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक एरिया डिफाइन कर देता हूँ, एक एनुलर डिस्क। तो वो जो एनुलर डिस्क है वो मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ, देखो यहां पर ये मैंने बना दी एक एनुलर डिस्क, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं कि ये थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी पार्टिकल्स, ठीक है, इस एनुलर डिस्क जो भी मैंने एरिया बनाया है
इस एरिया के अंदर इंसिडेंट होंगे। इस एरिया को मैं बोल देता हूँ डी सिग्मा, ठीक है, इस एरिया को मैं बोल देता हूँ डी सिग्मा एरिया, ठीक है। जो भी पार्टिकल्स, जो भी अल्फा पार्टिकल्स, वो इस एरिया डी सिग्मा के अंदर इंसिडेंट होंगे, वो सारे के सारे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, है ना, एक दूसरी एनुलर डिस्क के अंदर स्कैटर होंगे, समझ गए। जो भी पार्टिकल्स इस एरिया डी सिग्मा के अंदर इंसिडेंट होंगे, ठीक है, उतने पार्टिकल्स कहाँ होंगे, आगे आगे, बिल्कुल एक ऐसा ही मैं एक एरिया बना देता हूँ, ठीक है, उसी एरिया के अंदर क्या होंगे, स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से उस एरिया को मैं डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, देखो इस एरिया को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है, अभी तो मैं एरिया बोल रहा हूँ, फिर इसको मैं बोलूँगा सॉलिड एंगल, ठीक है, अभी तो मैं एक एरिया बता रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स जो इस एरिया में इंसिडेंट हुए, इस एरिया में, वही उतने नंबर ऑफ पार्टिकल इस एरिया को, ये जो मैंने बड़ा वाला एरिया बनाया जो भी है ना, तो इस एरिया को क्या करेंगे, इसी एरिया के अंदर स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, देखो इसके अंदर जो पहला टर्म है वो है आई नॉट, क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट ऑन एन नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, ठीक है। जो भी ये जो बीम है इसके परपेंडिकुलर मैं कोई यूनिट एरिया बताऊं, ठीक है, उस यूनिट एरिया को क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग, क्रॉसिंग यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, इंसिडेंट डायरेक्शन, ठीक है। जो भी बीम इंसिडेंट हो रही है उसके परपेंडिकुलरली कोई एक यूनिट एरिया डिफाइन करो, उसके अंदर पर यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं, उसी को हम फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। दूसरा, ये जो डी सिग्मा है उसको मैं बोल देता हूँ कोई भी एरिया हमने डिफाइन किया है, तो ये आ गया एरिया, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया इन डायरेक्ट, इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम, ठीक है। एरिया परपेंडिकुलर, एरिया परपेंडिकुलर, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, ठीक है। तो ये हमने डी सिग्मा एरिया बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर मैं बात करूँ, चलो ठीक है, इतनी बात हुई। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने पार्टिकल्स इस एरिया में इंसिडेंट होंगे उतने ही पार्टिकल्स इसको भी क्रॉस करेंगे, ठीक है, ये बात है, हम इसी के ऊपर चलेंगे, ठीक है। अब इसको डिफाइन करना है, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि जितने भी पार्टिकल्स जो इस एरिया में इंसिडेंट होंगे वही नंबर ऑफ पार्टिकल इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा के अंदर स्कैटर होंगे, ठीक है। अब मैंने ये जो जो भी हमने एक एंगुलर डिस्क बनाया इसको मैं सॉलिड एंगल से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, देखो कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जितना एंगल सबटेंड करता है वो होता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। कैसे, देखो कोई भी आप एक लेंथ ले लो, ठीक है, कोई भी आप एक लेंथ ले लो और वो लेंथ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल,
ठीक है। और उस प्लेन एंगल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अराउंड ये जो भी जितने भी रेडियस का है ना, उतने ही रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो कुछ ऐसे एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, कुछ इतना। अब देखो ये जो भी लेंथ है, ये लेंथ ये यहां से लेकर यहां तक का ये लेंथ एल बोल दूं, ये डिस्टेंस आर हो गया। तो जो प्लेन एंगल है फाई वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, एल अपॉन आर, ठीक है, एल अपॉन आर, ये हो गया आपका प्लेन एंगल। वैसे ही अगर मैं डिफाइन करूं कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे इन केस ऑफ एक मैं बात करूं कोई रेक्टेंगल, ठीक है, वो रेक्टेंगल किसी एक पॉइंट के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मिला दो, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया, ठीक है, इसके इसके बीच में एंगल, कोई भी एंगल, ये हो गया इसके और इसके, फिर इसके और इसके बीच में एंगल, ये हो गया, वैसे ही इसके और इसके बीच का एंगल, ये हो गया, और इसके बीच का एंगल कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये जो भी आपका शेप बना, देखो कुछ ऐसा इस तरह का जो भी शेप बना है, अब देखो मैं इसको अलग से डिफाइन करूँ तो ये आपका कुछ ऐसा शेप बना है, ठीक है, ये है ना, इसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको डिफाइन करने, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं और इसका प्रोजेक्शन देखते हैं उस स्फीयर के ऊपर, ठीक है, और इस सॉलिड एंगल को डी ओमेगा को डिफाइन किया जाता है एरिया, ये जो भी एरिया है, ठीक है, उस स्फीयर के ऊपर जितना भी एरिया ये प्रोजेक्टेड होगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। जो भी आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो हो गया आपका सॉलिड एंगल। अब देखो बिल्कुल यही चीज हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहां से देखो ये जो भी एनुलर डिस्क लिया है वो इस पॉइंट के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करता है वो कहेंगे हम सॉलिड एंगल। तो यहां से अगर मैं एक डिफाइन कर दूं डी ओमेगा, वो क्या है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इन विच, इन विच द पार्टिकल गेट स्कैटर्ड, इन विच द पार्टिकल गेट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, ठीक है, समझ गए, ये वही एंगल है जिसके अंदर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक और टर्म डिफाइन करते हैं, वो क्या है, आई ओमेगा, आई ओमेगा वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल, पार्टिकल इन डायरेक्शन ओमेगा, इन डायरेक्शन ओमेगा, ठीक है, पर यूनिट, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट टाइम, जिस तरह से हमने आई नॉट डिफाइन किया था, जो इंसिडेंट फ्लक्स है मतलब कितने पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहे हैं, उसी तरीके से कितने पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा के अंदर, ठीक है, जितने भी पार्टिकल इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा के अंदर स्कैटर हो रहे हैं वो पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो हम डिफाइन करते हैं आई ओमेगा से, ठीक है, ये हो गया आई ओमेगा। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या थी कि जितने पार्टिकल इस एरिया को क्रॉस करेंगे उतने ही पार्टिकल इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा के अंदर स्कैटर हो जाएंगे, तो वही लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट, इंसिडेंट इन एरिया, एरिया डी सिग्मा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, पार्टिकल इन, इन सॉलिड एंगल, इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये इक्वल होगा और इसी को इक्वेशन को हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ये डिफाइन करूं इन एरिया डी सिग्मा, तो क्या कर दूं, इस आई नॉट को डी सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ये वाला चीज दे देगा, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू डी सिग्मा,
किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल वो कितने आगे पर यूनिट सॉलिड एंगल, वो तो हो गए आई ओमेगा, उसको सॉलिड एंगल डी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आएंगे, इस सॉलिड एंगल के अंदर स्कैटर्ड बता देंगे, तो क्या आ जाएगा आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ये इक्वेशन बना। ठीक है, बहुत काम का इक्वेशन है, इसको मैं बोल दिया इक्वेशन वन। ठीक है, यहाँ से मैं डिफाइन करूँ तो क्या डिफाइन कर दूँ, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा कितना आ जाएगा आई ओमेगा अपॉन आई नॉट, उसको मैं इक्वल पुट कर देता हूँ सिग्मा ओमेगा के, एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया सिग्मा ओमेगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। ये जो सिग्मा ओमेगा है, सिग्मा ओमेगा, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब देखो इसका मतलब फिजिकल मीनिंग समझो, ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन पर यूनिट सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर यूनिट टाइम, और ये क्या है नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स। ठीक है, तो जितने इंसिडेंट हुए उसमें से कितने क्या हो गए स्कैटर हुए, समझ गए, जितने इंसिडेंट हुए उसमें से कितने स्कैटर हुए वो क्या बताएगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये वेरिएबल आपको इतना बताता है कि जितने भी इंसिडेंट हुए उसमें से कितने स्कैटर हो गए, वो एक रेशियो बताता है, वो क्या है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आई ओमेगा का वैल्यू निकालूँ वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आई नॉट इंटू सिग्मा ओमेगा, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन थ्री, इसको हम काम में लेंगे बाद में। ठीक है, अब देखो ये हमने डिफाइन कर दिया, सेकेंड की बात करते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन। तो जो टोटल क्रॉस सेक्शन है, टोटल क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये जो आपका इतने डी ओमेगा के अंदर हमने क्या निकाला है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी ओमेगा के अंदर, तो उस डी ओमेगा को हम क्या कर दें पूरे के ऊपर। ठीक है, पूरे इस जो भी आपका आगे जो भी एरिया बनता है पूरा सॉलिड एंगल उसके ऊपर हम क्या कर दें इंटीग्रेट कर दें, तो क्या बता देगा टोटल क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा टोटल क्रॉस सेक्शन डिफाइन करूँ तो वो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ओमेगा इंटू डी ओमेगा। ठीक है, पूरा का इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ से सिग्मा ओमेगा का वैल्यू रख दो तो वो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल क्रॉस सेक्शन, दो टर्म्स हमने डिफाइन कर दी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल बिल्कुल सिंपल है, क्या है जिस डायरेक्शन से आपका पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से इंसिडेंट हुआ और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर हो गया, तो इस इंसिडेंट डायरेक्शन और इस स्कैटर डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट डायरेक्शन है, ये आपका स्कैटर डायरेक्शन है। ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया और ये स्कैटर्ड हो गया, तो इस इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच में जितना एंगल बन रहा है उसको हम बोल देंगे स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो ये अगर मैं डिफाइन करूँ एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इंसिडेंट और स्कैटर्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं फाई से, किससे फाई से जो हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, तीन हो गए। फोर्थ इम्पैक्ट पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल पी से। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, इम्पैक्ट पैरामीटर उसको हम डिफाइन करते हैं पी से। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है, जो इस सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है, इसके ऊपर इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है तो ये किस इसके इंसिडेंस की डायरेक्शन कौन सी है, कुछ इसके पैरेलल, ठीक है, ये डायरेक्शन है ना, और आपका जो सेंटर ऑफ फोर्स है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है जहाँ से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इससे इसके डायरेक्शन के ऊपर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर लगाऊँ तो परपेंडिकुलर इस तरह से ही लगेगा, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है वो कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर पी।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस बीम है, ठीक है, इसका इस स्कैटरिंग सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस बीम का स्कैटरिंग सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये क्या बताता है कि वो पार्टिकल इससे कितना पास में आएगा। ठीक है, अब ये जितना पी का वैल्यू कम होगा है ना, वो उतना ही ज़्यादा एंगल के ऊपर स्कैटर होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्टिकल जो यहाँ पर होंगे इतने दूर होंगे तो वो क्या होंगे, सीधे ही तो निकल जाएंगे है ना, कुछ पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे जो इससे बहुत दूर होंगे, क्योंकि दूरी की मतलब ज़्यादा दूर होंगे तो इनके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो है ना। तो वैसे ये पार्टिकल जितने पास में होंगे इसके वो उतने एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बताता आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। अब यहाँ से देखो ये जो पी है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस डिस्क की जो इनर रेडियस है ना, इसके इक्वल हो जाएगा। ये हो गए हमारे चार वेरिएबल। अब हम फिफ्थ डिफाइन करेंगे, वो आएगा सिग्मा ओमेगा। तो देखो यहाँ से, अब देखो ये जो सिग्मा ओमेगा है वो क्या बताता है कि इस डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वो स्कैटरिंग एंगल पे किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, वो बताएगा आपका सिग्मा ओमेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि इस जो आपका सिग्मा ओमेगा आया उसको हम सिग्मा फाई में कन्वर्ट करेंगे, जो डिपेंडेंस ओमेगा के ऊपर उसको हम फाई में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करके, इस इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ से हम डी सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे, डी ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे है ना, और इसका वैल्यू, और उसको पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डी ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं। इस डी ओमेगा के वैल्यू के लिए हमने एक पी डिफाइन कर दिया, ये जो भी एनुलर डिस्क है इसका इनर रेडियस हमने डिफाइन कर दिया पी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी पी हो जाएगा है ना। तो ये जो एरिया है, एरिया डी, एरिया डी सिग्मा, वो किसके इक्वल होगा। अब देखो ये जो भी एनुलर डिस्क है इसको मैं किससे मिलके बना हुआ मान सकता हूँ, रिंग से। ठीक है, रिंग से। अब देखो जो इनर रिंग है उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2πp होगा ना, 2πp। उसको मैं इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये जो भी डिस्क है इसका एरिया बता देगा है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, 2πp इंटू dp है ना, ये क्या बता देगा, ये वाला एरिया डी सिग्मा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम ये वाला भी निकाल लेंगे है ना, जो आपका क्या है, डी ओमेगा है। ठीक है, डी ओमेगा। अब डी ओमेगा कैसे निकालेंगे, डी ओमेगा हमने डिफाइन किया था एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे डिफाइन करते हैं हम सॉलिड एंगल को। अब एरिया कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया के लिए हमें इनर रेडियस चाहिए। इनर रेडियस कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है वो मैंने आर बोल दिया, स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्मॉल आर। तो ये एंगल फाई है ना, तो ये इतना लेंथ, ये कितना हो जाएगा, आर इंटू डी फाई हो जाएगा ना, ये वाला आर, आर इंटू डी फाई। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, ये होगा आर इंटू साइन फाई, ये कितना होगा, आर साइन फाई। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर कोस फाई। तो हमें तो इनर रेडियस से मतलब है, वो कितना है, आर साइन फाई। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूँ, इसका एरिया, एनुलर डिस्क का एरिया, वो कितना होगा, इनर सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2πr sin φ, इनर सर्कमफेरेंस इंटू ये जो विड्थ है, ये कितना है, आर डी फाई, ये कितना है, आर डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आ गया है ना। ये एरिया निकाला हमने, ठीक है, और उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से देखो ये आर है, ये आर है, ये नीचे आर स्क्वायर, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ गया, 2πsin φ इंटू डी फाई, ये किसके इक्वल है, डी ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ 3, ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में हमें किस किस का वैल्यू चाहिए, हाँ सारे आ गए। अब देखो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 की जो डी ओमेगा की वैल्यू है वो, और वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 किसकी वैल्यू, आई ओमेगा की वैल्यू,
और इसके अलावा डी सिग्मा, तो डी सिग्मा कितना बोल दूं मैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आई नॉट ऐसा कैसा, तो ये आई नॉट आ गया इंटू डी सिग्मा का वैल्यू 2πp इंटू डी पी, ये आ गया डी सिग्मा का वैल्यू इक्वल्स टू आई ओमेगा का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, ये वैल्यू, वो कितना हो जाएगा आई नॉट सिग्मा ओमेगा, ये वैल्यू रख दिया इनटू में कित क्या है डी ओमेगा, तो डी ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 2πsin φ इंटू डी फाई, ठीक है 2πsin φ इंटू डी फाई, बस ये हमने डिफाइन कर दिया, ये वैल्यू हमने क्या कर दिया यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ से आई नॉट कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर मैं सिग्मा ऑफ ओके यस हाँ, अब मेरी बात सुनो, ये जो सिग्मा ऑफ फाई है, सिग्मा ऑफ ओमेगा है, इसको हम सिग्मा ऑफ फाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो पहले हमारा इक्वेशन क्या था, वो था आपका आई नॉट डी सिग्मा इक्वल्स टू आई ओमेगा डी ओमेगा, यही था। ये आई ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा था कब, जब ये डी ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब इस डी ओमेगा को हमने फाई में कन्वर्ट कर लिया डी फाई में, तो ये जो आई ओमेगा जो ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा था, अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, इसको सिग्मा फाई में कन्वर्ट कर लूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा पी डी पी इक्वल्स टू सिग्मा फाई साइन फाई डी फाई, ठीक है। अब यहां से अगर मैं सिग्मा फाई का वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा पी अपॉन साइन फाई डी पी अपॉन डी फाई, यह वैल्यू आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही यहाँ पर p का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, ये जो p है उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो इस फाई का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, होगा ना, p का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, तो बिना स्कैटर वे निकल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तो उसके लिए कुछ फाई का वैल्यू आएगा, कुछ फाई का वैल्यू आएगा। जैसे ही p का वैल्यू और कम होता है, फाई का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही तो इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए। एक्चुअल में सिग्मा फाई का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन जैसे ही पी का वैल्यू बढ़ेगा फाई का वैल्यू कम होगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, उस केस में। तो यहाँ पर हमने जब सिग्मा ऑफ ओमेगा को सिग्मा फाई में कन्वर्ट किया ना, तब ये एम्बिग्यूटी आई, तब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। ये क्या बताता है, डिपेंडेंस ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑन स्कैटरिंग एंगल फाई, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑन स्कैटरिंग एंगल फाई। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में हम करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग। थैंक यू।